फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ा चल रहे रेंडेवू करने के लिए बोरसी टू स्मृति नगर। होप आप लोग ये ब्लॉग जब देखोगे आपको अच्छा लगेगा। और ये है ऐसा कि लॉकडाउन का समय है, वो भी स्ट्रिक्ट वाला जो समय है, अभी लगभग 8 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। 45 मिनट्स में वापस आना है और पुलिस के नाक के नीचे से जाना है और वापस आना है। तो बने रहिए, आगे देखते कुछ खास रहेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देख लो आपको जो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ये तो तुम मेरा ही थोपड़ा ऑन करवा दी, कुछ जहाँ था डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, गाँव पड़ता है बीच में, बोरसी काटा, इस कारण से लोगों को यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही है। तो सेल्फी मोड में ले रहा, अरे यार तुम इतना आप बोलो। और ऑरिजिन है आपका, हमारा घर जा रहे हैं। सीआर फैंस है, बट सकते हैं पिक्चर में यहाँ गाँव वालों को नहीं पकड़ती, हमें क्या पकड़ेगी। क्या है आगे नेहरू नगर और Yeah.
और रात के 8-10 कुछ हो रहे होंगे, हम यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं और लॉकडाउन में भी भाई पार्शियल लॉकडाउन जैसा ही माहौल है। गाड़ियाँ तो जा रही है, क्रॉस हो रही है, फ्लाई ओवर से निकल गए हमने देखा, और फ्लाई ओवर में अभी 2-4 कम दिख रहे हैं, कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं, कुछ लोग, हाँ बारिश की बूंदाबांदी भी अचानक शुरू हो गई है। तो आगे गुरुद्वारा चौक आएगा नेहरूनगर और हम क्रॉस होंगे, और ये यहाँ पर डार्क टर्न आ गया है और रेलवे ट्रैक्स है और ये पूरा अंधेरा हो गया, तो यहाँ वीडियो में टीवी रखने का मतलब नहीं है। आगे टर्निंग भी आ गया, ब्लाइंड टर्न जैसा है, तो वीडियो यहाँ थोड़ा सा रखते हैं, आगे बने रहिए, हम स्मृति नगर जाते हुए फिर आपको दिखाएंगे आगे। लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है कि लोगों ने अपना दुकान बंद रखा हुआ है, क्योंकि वो तो खुला नहीं रख सकते, बहुत हैवी अमाउंट पे फाइन चार्ज किया जाएगा। बाकी घूमने के शौकीन अपने कॉलोनी के, अपने लोकेलिटी के हिसाब से लोग घूम ही रहे हैं, तो घूम रहे हैं। अगर कोई पकड़ भी लिया जाए उनके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ होगा, तभी घूम रहे निकल रहे हैं। और मास्क पहनना ज़रूरी है, दुकान से और लोग को मास्क शायद हमारे शहर में उतना कंपलसरी नहीं है, जब कार से निकले तो मास्क पहनना ज़रूरी है, यही शायद बोला गया होगा, जैसे ये साहब है कार में बैठे मास्क नहीं पहने। पर ये जब जब हमने सुना है कि एयरबॉर्न डिजीज़ है, एयरबॉर्न वायरस है, तो हमें लगता है कि कार में भी बैठो तो भी मास्क पहनो। एनीवेज दोस्तों, ये नेहरू नगर का फेमस KPS चौक, और ये रास्ता 3 भागों में बढ़ता है, एक तो उधर फ्लाई ओवर बाईपास होते हैं राजनंदगांव नागपुर ले जाता है, ये रोड भी जी रोड ग्रैंड ईस्टर्न रोड ले जाता है मुंबई हावड़ा हाईवे। और एक और जो रास्ता था वो हम वहाँ से आए, वो ओका और ये सब विलेज से होते हुए लाते हैं, तो ये वाकोट का नर्सिंग होम भी यहाँ तक से नहीं खुला है सॉरी, बट वही नर्सिंग होम में नर्सिंग, बाकी चीज़ों की नर्सिंग नहीं होती, बस ये बच्चों वाला नर्सिंग होम है, इसलिए ये बंद रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खैर ऐसे सीजन में, ऐसे सिचुएशन में भी नर्सिंग होम को चालू रहने चाहिए, ऐसा तो नहीं कि लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती होगी या डिलीवरी नहीं होती होगी, तो होती है। तो इन दिनों डोमिनोज और जोमेटो ये सब की काफ़ी डिमांड है भाई, काफ़ी लोग हैं घर में बनाना खाना जानते नहीं है ठीक से, यह मेहनत लगेगी बोल के, खैर इन लोगों का भी बिजनेस चले तो उसके लिए लोग अपना पॉकेट से खर्चा करें, ज़रूरी भी है। तो आई थिंक मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियरली सुनाई दे रही होगी, इस कारण से मैं थोड़ा लाउडली भी बात कर रहा हूँ, पर क्योंकि गाड़ी भी स्पीड चला रहा हूँ इक्वली, तो आवाज़ में थोड़ा सा हवा का नॉइस आ सकता है फ्रेंड, उसे थोड़ा अवॉइड कर लेना। तो सिग्नल तो चालू है, बाकी हम नीचे से नहीं जाते हुए हम ऊपर से ही जाएंगे,
क्रॉस होने वाले और हैं, पर अपने को 1% का भी रिस्क नहीं चाहिए। हाँ वो खड़े हैं, पर वो भी चालान बनाते हैं, पर अभी नहीं बना रहे क्योंकि उनको पता है और तो 5 दिन बचा है हार्डली, है ना। 5 दिन कहाँ, 4 दिन, 3, 4, 5, 6, 4 दिन बाद फिर लॉकडाउन खत्म होगा। उसके बाद तो कोई माइकल लाल लॉकडाउन लगाने देगा भी नहीं यहाँ जनता ना पब्लिक, क्योंकि यार लॉकडाउन खुले या बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को ज़रूरी काम है तो निकलेंगे, आपको उसमें छूट भी देना पड़ेगा। और अगर लोगों की मर्जी है कि उनको एयरबॉर्न डिजीज़, कोरोना या कॉन्टीजल जो छुआछूत की बीमारी है लगाना है, तो उनको लगाना ही है, तो कोई लॉकडाउन भी उनको रोक नहीं सकता। तो बेहतर है हम अनलॉकडाउन में रहे, और जिनको लगाना है कोरोना वो लगाए, बेशक कोई बात नहीं पड़ता। वैसे भी मैं एक आम इंडियन पब्लिक होने के नाते आप लोगों को यही बोलूँगा कि चाहे आप यूथ हो, अगर आप वीडियो को सुन रहे हो तो आपको यही बोलूँगा कि ऊपर से देखिए रेलवे ट्रैक, नहीं सॉरी जी रोड, और आगे रेलवे ट्रैक भी दिखाता हूँ, ये ग्रैंड ढिल्लन चमकदार, क्योंकि अभी हम अंधेरे वाले जगह से क्रॉस हो रहे फ्लाई ओवर से, इसलिए इस तरफ वाले पोर्शन में जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ लाइट ऑफ करके रखी गई है, और उस तरफ थोड़ा बहुत ज़रूरत है पर वहाँ ज़्यादा रोशनी। तो ये रेलवे ट्रैक इस तरफ है, आपको दिख रहा होगा, और ये सामने हम अब रोशनी के एरिया में आए। तो पीछे कारें भी बहुत स्पीड में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई F1 रेस चल रहा है। तो मेरा वही बोलना था कि ये काम पब्लिक होने के नाते हम लोग को देश की हर किसी को तो पड़ी नहीं है, बस वो बयानबाजी है सोशल मीडिया पे, हाँ भाई चाइना ने हमला किया हमारे एरिया में घुस गए, पाकिस्तान सीज़फ़ायर तोड़ रहा है, नेपाल भी अपने बॉर्डर नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कब्जा रहे हैं। तो यहाँ बैठ के तो सोशल मीडिया में बैठ के तो किसी का कुछ होने से रहा, बॉर्डर में जाओगे, फ्रंट में जाओगे, मसला अपने हाथ में लोगे तो कुछ होगा। तो ऐसे नागवार और ना काजी काम बेकाज लोगों को इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है इस धरती पे, मेरा तो यही कहना है। पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे भी होती नहीं है लोगों से, तो वैसे ही सही कोरोना से ही सही, शायद ये भगवान का इंसानी प्रकोप है, पर भगवान का दिया हुआ अभिशाप नहीं बोलूँगा इसे, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, जो इस तरह से इस बची बची पृथ्वी को अगर संभालना है तो भगवान को अपने हाथों में लेना है, इसीलिए कोरोना का प्रकोप को अब कोई रोकेगा नहीं, भगवान भी अब हाथ पीछे उठा लिए। तो भाई ऐसे ही सही कोरोना लगाओ, पॉपुलेशन घटाओ, और बीच में और अपने नेचर को बचाओ, बस हम यही बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सेक्टर 7 और 8 के एवेन्यू सड़क से जा रहे हैं, तो हम जैसे लोग बहाना लेके अगर एक्सक्यूज लेके निकल सकते हैं, मतलब हमारे पास तो सॉलिड मजबूरी है, बहाना है, पर जिन लोगों के पास छोटा सा भी एक्सक्यूज है वो निकल रहे हैं, वैसे भी किसी को पड़ी नहीं है। और लोग अब कुछ लोग हमारे जैसे लॉकडाउन के आदी हो गए, और कुछ लोग लॉकडाउन से त्रस्त हो गए हैं, इसीलिए भी वो सरकार के बनाए नियमों का पालन करना चाहते हुए नहीं है। और इस लॉकडाउन का अभी ज़रूरी था लगाना, पर काफ़ी देर हो गया है, और लोगों की मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अब अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। इवन कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ तो भाई उन लोग तो मास्क भी नहीं पहनते, दुकानदारी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं एहतियात बरत रहे, पर अधिकतर लोग नहीं बरत रहे। तो अब इनका तो भगवान मालिक है, और हम जैसे कुछ मासूम लोग हैं जो बेवजह अगर थोड़ा सा अनकॉशसली कोई प्रैक्टिस करे या इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो हम लोग भी बेकार के मारे जाएंगे, कम से कम अस्पताल से दौड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए यही है कि हम अपना बचाव खुद करें। और दोस्तों देखो बातों बातों में स्टील क्लब चौक भी क्रॉस कर लिया, अभी सेक्टर 9-10 के बीचों बीच सड़क से आ गए हैं। तो ब्लॉग को आप लंबा ना खींचते हो, मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। तो जितना दिखाना था आपको दिखा दिया, भीड़ हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा इस एरिया में ही दिखा, आते हुए पंतनीसी चौक में भीड़ मतलब गाड़ियों की आवाज़ आई, और एक नेहरू नगर में एज यूजल दिखता ही है, तो वो था। तो बस पंतनीसी चौक आ रहा है दोस्तों, और अपना ब्लॉग स्टार्ट हमने लगभग पंतनीसी चौक से पहले तालपुरी कॉलोनी के पास से किया था, तो यहीं पर ब्लॉग समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रविवार, और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं अभी से। और हम चाहते हैं कि अब लॉकडाउन खुल जाए वाकई में, लोगों का अपना जान अपना सुरक्षा अपने हाथों में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।